तो गाइस एक क्लिप निकल कर सामने आई है जिसमें ट्रिपल एच, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दिखाई दे रहे हैं और साथ में सोलो सिकोवा भी, और ये सब स्मैकडाउन होने से पहले की तैयारी कर रहे हैं। पर मेन बात यह है कि इस वीडियो में एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसको सब रोमन रेंज मान रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि टामा टुंगा किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान पूरा रोमन रेंज लग रहा है पीछे से देखने में। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये पर्सन जो टामा टुंगा के साथ खड़ा हुआ है वो रोमन रेंज है या फिर जिम्मी उसो, क्योंकि WWE इन दोनों में से किसी एक का रिटर्न बस कराने वाली है नेक्स्ट। उसकी तैयारी के लिए जिम्मी उसो या फिर रोमन रेंज हो सकते हैं लास्ट वीक की स्मैकडाउन पर मौजूद। और अगर ध्यान से देखो तो ये रोमन रेंज है क्योंकि जिम्मी उसो के गर्दन पर पीछे टैटू बना हुआ है, और अगर जिम्मी उसो होता तो टैटू साफ दिखाई देता गर्दन के पीछे, पर पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कंफर्म ये रोमन रेंज है जो ऑफ ईयर मौजूद है लास्ट वीक की स्मैकडाउन पर। बस अब देखना होगा ऑन टेलीविजन रोमन रेंज का रिटर्न WWE कब कराने वाली है। तो गाइस पॉल हेमर पर कई लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी पर हर बार ब्रॉक लेसनर ने आकर पॉल हेमर को बचा लिया। साल 2022 में एक प्रोमो हुआ स्मैकडाउन के अंदर सेमी जोन और पॉल हेमर का, जिसमें सेमी जोन अटैक करने वाले होते हैं पॉल हेमर पर, उसी टाइम ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं और सेमी जोन को पूरा तोड़कर रख देते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ था जब रोमन रेंज ने हमला करने की कोशिश करी थी पॉल हेमर पर, जब रोमन रेंज को शक होने लगा था पॉल हेमर पर कि उनको धोखा देने वाले हैं पॉल हेमर, और वो पॉल हेमर पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं अपने पुराने दोस्त पॉल हेमर को बचाने के लिए। पर इस बार पूरी हदें पार हो चुकी है क्योंकि एक इंसान ने नहीं बल्कि पूरे एक ग्रुप ने चुन चुन कर पॉल हेमर को बड़ी बेरहमी से मारा है। पर इस टाइम पॉल हेमर को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं है और ना ही रोमन रेंज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉल हेमर जब भी वापस आएंगे तो वो अकेले नहीं आने वाले, उनके साथ जिम्मी उसो या फिर रोमन रेंज आने वाले सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए। ब्रॉक लेसनर के यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि वो पॉल हेमर के साथ इन्वॉल्व हो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, क्योंकि ये सब सिर्फ रोमन रेंज के रिटर्न के लिए सेटअप हुआ है। बस अब ट्रिपल एच के ऊपर है कि वो रोमन रेंज का रिटर्न कहाँ कराने वाले हैं, मनी इन द बैंक, स्मैकडाउन या फिर फाइनली समर स्लैम।